हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एक्सेशन गाइस, दिस इज दिव्यांश। तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं टाटा नेक्सॉन के डैशबोर्ड और सेंटर टनल के बारे में। तो गाइस अगर हम लोग बात करें इसके डैशबोर्ड की, तो ये लुक हमें डैशबोर्ड की मिलती है, जिसमें हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है एयर बैग, डुअल एयर बैग जिसमें आते हैं। एक एयर बैग उस तरफ आता है, एक एयर बैग यहाँ पर आता है, इस हॉर्न पैड के नीचे एक एयर बैग आता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमें ऐसी लुक मिलती है डैशबोर्ड की। यहाँ पे हमारे पास दिए हुए हैं डिफॉगर्स, यहाँ पे एक सेंसर आता है जो कि हमारे पास अपर वेरिएंट्स में आता है सेंट्रल लॉकिंग का। उसके बाद ये ऐसी डिज़ाइन है, यहाँ पे हमारे पास है मीटर कंसोल, ये इसको हल्का सा ताकि अगर सनलाइट इस पर डायरेक्ट पड़े तो ये आपको विजिबल रहे सनलाइट में भी। उसके बाद ये हमारे पास टूडेंट का ऑडियो सिस्टम, जिसका मैं वीडियो डिटेल में बना चुका हूँ। ये हमारे पास है एसी वेंट्स, उसके बाद एक एसी वेंट्स यहाँ है और एक इस तरफ है। ये हमारे पास हैजार्ड लाइट का स्विच है, जैसे मैं अगर इसको दबाऊंगा तो ये आप देखेंगे चारों इंडिकेटर्स हमारे जलने लगेंगे। उसके बाद ये हमारे पास टूडिन के ऑडियो कंट्रोल सिस्टम, ये हमारे पास एसी का कंट्रोल, ये हमारे पास ब्लोअर की स्पीड के लिए, ये हमें कितना ठंडा और कितना गर्म चाहिए, ये ब्लू मतलब ठंडा, उसके बाद रेड मतलब गर्म, जितना जहाँ पे हम रखेंगे उस हिसाब से ये गाड़ी ठंडी या गर्म होगी। ये हमारे पास है मोड चेंज करने के लिए, इसमें डिफरेंट मोड्स आते हैं, जैसे ये वाला जो मोड है इसमें अगर आप क्लोज देखेंगे तो यहाँ पर है कि ये हमें एसी चाहिए, इस वाले वेंट से हमें हवा यहाँ से मिलेगी। उसके बाद ये वाला जो है इसमें दो एरो बने हुए हैं, तो एक हमें हवा यहाँ मिलेगी, एक हमें मिलेगी हवा पैर में, ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड दोनों साइड हमें मिलेगी। उसके बाद ये वाला जो है ये सिर्फ खाली को ड्राइवर साइड के लिए है, उसमें हवा सिर्फ खाली इस तरफ यहाँ नीचे और यहाँ नीचे आएगी, मतलब ड्राइवर को ड्राइवर की साइड आएगी। उसके बाद ये वाला जो है ये हमारे पास को ड्राइवर साइड पे आएगी, ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड पे नीचे से हवा आएगी पैर के पास, और ये हमारा डिफॉगर है। और ये वाला अगर आप देखेंगे तो ये हमारा डिफॉगर का स्विच है, ये हमारे पास लिखा हुआ है कि यूज़ विथ सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब मैं आपको अभी बताता हूँ, ये हमारे पास सर्कुलेशन का स्विच है, ये हमारे पास एसी का स्विच है। ये तभी काम करेगा जब हमारा ब्लोअर ऑन रहेगा, अगर ब्लोअर ऑफ रहेगा तो सर्कुलेशन काम करेगा लेकिन ये काम नहीं करेगा। सर्कुलेशन मतलब क्या होता है कि जैसे आपको गाड़ी आप क्या चाहते हैं कि जो अंदर की हवा है उसी को सर्कुलेट करे, या फिर गाड़ी आपकी बाहर से हवा खींचे। तो जनरली कंपनी रिकमेंड करती है कि आप इसको अंदर ही वाली हवा सर्कुलेट करें, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, डस्ट होता है, तो वो भी जो गाड़ी का एयर फिल्टर है वो कहीं ना कहीं खींचता है। गाइस सर्कुलेशन के बाद अगर हम आगे बढ़े तो ये वाला जो आप पैनल देख रहे हैं, ये वाला पूरा, यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है बूट लिड खोलने का बटन। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ खाली बूट लिड है, लेकिन एग्जिट ऑप्शनल वाला जो वेरिएंट है, जिसका टॉप एंड वेरिएंट है, उसमें और भी काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स आते हैं जो कि मैं यहाँ पे आपको ओवरले में डाल दूंगा। तो ऐसा कुछ आता है जहाँ पे एक्सप्रेस कूल का फीचर आता है, फॉग लैंप्स आता है और ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, जिसमें कि मैंने ये बोर्ड का कार चार्जर लगा रखा है, वो लगा देते हैं वापस। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है USB, इसमें आप पेन ड्राइव से भी गाने बजा सकते हैं। और ये हमारे पास दी हुई है जगह ऑक्स के लिए, ऑक्स लगा हुआ नहीं आया है लेकिन लगवा सकते हैं अगर आप आफ्टर मार्केट से आए तो। उसके बाद ये हमारे पास का गियर लीवर जो कि आता है हमारे पास 6-speed के मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, एक रिवर्स जो कि यहाँ पे ये आप देखेंगे ये उठा करके ऐसे लगता है, तो क्लच दबा करके ये, अगर ये ऐसे करेंगे तो ये 6th है, लेकिन अगर हम इसको पूरा उठाएंगे तो ये यहाँ तक, ये उठाएंगे तो ये यहाँ तक आता है, तो 6th रिवर्स गियर इसमें ऐसा लगता है। ये हमारे पास ड्राइव मोड्स, उसके बाद ये हमारे पास हैंड ब्रेक, ये हमारे पास का ग्लव बॉक्स जो कि काफ़ी डीप है ग्लव बॉक्स, जिसमें आप आराम से अपने पेपर्स रख सकते हैं और भी काफ़ी सामान रख सकते हैं। ये पेन होल्डर है, ये पेन होल्डर है, यहाँ पे आपके पास दो कप होल्डर्स दिए हुए हैं और यहाँ पे भी अपना सामान रख सकते हैं, मैंने फास्ट टैग रखा हुआ है। और ये आपके पास कार्ड होल्डर, अगर आप जैसे अपने जो विजिटिंग कार्ड्स होते हैं उसको आप यहाँ पे रख सकते हैं। अगर आपको खोलना है तो ग्लव बॉक्स आपका ये यहाँ से खुलेगा, इसमें कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसका ये आप इसको दबाएंगे ये पूरा से खुल जाएगा। तो
अगर हम लोग बात करें इसके सेंटर टनल के बारे में, तो हमें मिलते हैं यहाँ पर दो कप होल्डर्स और दो कप होल्डर्स यहाँ पर। इसमें आप छोटी वाली जो बोतल होती है वो भी रख सकते हैं, और जो इसके ऊपर वाले वेरिएंट्स आते हैं उसमें यहाँ पर आर्मरेस्ट आता है जो कि मैग्नेटिक हो रहता है, और यहाँ पर हमारे पास एक क्लोजर आता है जो कि स्लाइडिंग क्लोजर होता है जो कि हमें रेंज रोवर में मिलता है। तो कहीं ना कहीं टाटा ने वो उसको उठा करके यहाँ पर लगाया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें मिलता है ये मोबाइल होल्डर, यहाँ पे ऊपर वाले वेरिएंट्स में हमें मिलता है एसी वेंट्स, और चूंकि इसमें एसी वेंट्स नहीं दिए हुए तो इसमें मोबाइल होल्डर है। इसमें हम आराम से अपना मोबाइल, ये जैसे मेरा नोकिया है तो इसमें मोबाइल आराम से ऐसे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।